और आजकल के पहनावे में बहुत बड़ा अंतर है परीक्षित महाराज। पहले की हमारी माताएं बहनें जो थी साड़ी इतनी मोटी पहना करती थी कि केवल घूंघट से जो जमीन नीचे दिखाई पड़ती थी, एक कदम का केवल वो इतना रास्ते ही नजर आता था पहले है? और आजकल की 1 किलोमीटर दूर खड़े हो जाओ, दूर से बता दिया कि फलाने की बहू आई रही। आजकल बच्चा नहीं मानो, हाँ दूर से केला जैसी आंखें चमक रही दूर से लगी है। ऐसी साड़ी पहनी है जब मालूम पत मच्छरदाने सोड़ ले कौन से बन 50 ग्राम मछलियों साड़ी कौन सी चलती है। और फायदा भी है, जब तक पहनो तब तक पहनो, पुरानी हो जाए तो सारी लकड़ियां बांधो मच्छरदानी बना लो। पहले के पहनावे में आजकल के पहनावे में बहुत बड़ा अंतर हो गया। अंतर क्यों हो गया? अंतर हो गया जब से हमारे इस देश हिंदुस्तान में अंग्रेजी आई। अंग्रेजी अंग्रेजी ने जब से पदार्पण किया तब से हमारे इस देश हिंदुस्तान का माहौल बदल गया। अंग्रेजी जब आई, पहले हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने देखा होगा, पहले माताएं बहनें जो हैं ब्लाउज की जगह पर कमीज सिलाया करती थी, पूरी बाजू का पेट दिखाई नहीं देता था। अंग्रेजी आई, अंग्रेजी ने थोड़ी ताकत लगाई तो नीचे से कपड़ा खींचा, पेट खुल गया, ऊपर से आस्तीन थोड़ी ऊपर चढ़ गई, इतना ब्लाउज बनने लगा, नीचे से थोड़ा ऊपर कपड़ा बढ़ने लगा। कुछ समय तक अंग्रेजी ने इंतजार किया, थोड़े दिन बाद अंग्रेजी ने और ताकत लगाई, जब ताकत लगाई तो नीचे से कपड़ा और ऊपर बड़ा, ब्लाउज यहां से यहां तक पहुंच गया। और ताकत ला गई, अंग्रेजी रुकने वाली कहां है। थोड़े दिन बाद उसने ताकत और लगाई, अब यहां से जो गुंजाइश थी वो तो खत्म हो गई, पीछे से कपड़ा खत्म होने लगा, केवल 4 अंगूर सी पिटी, जो आजकल के नए फैशन के जो डिजाइनदार जो ब्लाउज बनाए जाता है, 4 अंगुल से केवल चिट्टी लगी बाकी सब पिटी दिखाते हैं। यहां से खिंच करके आस्तीन ऊपर पहुंच गई। हमें केवल डर अब इतनी बात का है कि भगवान अंग्रेजी ने अगर जरा सी ताकत और लगाई गई तो कपड़ा पहनियों को वंदना हुई जाए, जमाना बदल गया है। हमारे देश हिंदुस्तान की हालत गंभीर होती जा रही है। सनील क्या बताए जमाने की हालत, क्या बताए जमाने की हालत, और कुछ कहने में आता नहीं है। फैशन है वो लड़कियां कर रही हैं, बाल कटवा रही हैं, जींस पहन रही हैं, शर्ट पहन रही हैं, ये सब हिंदुस्तान में अंग्रेजी की देन है। अंग्रेजी की ये तो हाल है, फैशन पे गौर करते हैं लड़कों की तरफ। सर पे पानी रखे पे कपड़ा पहन तेरी सर पे बाल रखाए ले बाल आराम से बाल रखवाए, भगवान जाने अब बालन में भी कई डिजाइनें चल रही हैं।
कहो हनी सिंह, कहो तेरे नाम, कहो गजनी, सर के बाल कटवाए लो, सब गोटा कराए लो, लकीरें बनवाए लो, गजनी हुई है, चारों तरफ मुड़वाए लो, ऊपर खड़े कर लो, हनी सिंह हुई है, बालों में भी कई अब डिजाइनें निकाली जाती हैं, फैशन। अब आ जाए स्त्रियों की तरफ। झांसी की हुई थी लक्ष्मी बाई, जिन्होंने घोड़ा की सवारी की, हाथ में तलवार देकर के युद्ध किया दुश्मनों के साथ। ऐसी भी स्त्रियां हमारे देश हिंदुस्तान में पैदा हुई है। कब? पहले, आज। वही पहले की रानी थी लक्ष्मी बाई, हो गई हमारे देश हिंदुस्तान की।